आज हम लोग देखने वाला है मास्टर कैम के अंदर डिलीट कमांड एंड डिस्प्ले कमांड के बारे में। डिलीट सपोज एग्जांपल कुछ भी चीज आपके पास है, आप सीधा जाके डिलीट कमांड से डिलीट, अनडिलीट किया तो अनडिलीट। ये डिलीट कमांड राइट क्लिक मेनू में भी रहता है और इधर भी आपको मिल जाता है। तो ये है डिलीट एंड डिलीट, ठीक है। आप डिलीट है ना, सीधा सेलेक्ट करके अपने कीबोर्ड में से डिलीट वो भी कर सकता है, और कंट्रोल सेट बोलेगा तो अंडू भी हो जाएगा दोनों। मतलब कीबोर्ड में से डायरेक्टली सेलेक्ट करके डिलीट, और अनडिलीट करना है तो कंट्रोल सेट ये भी कर सकता है। आ नहीं तो इधर से डिलीट सेलेक्ट करो एंड सिलेक्शन और अनडिलीट ये हो जाता है। अब नेक्स्ट है डिलीट डुप्लीकेट। सबसे पहले डुप्लीकेट क्या चीज है, एक जैसा दूसरा है ना, उसको ही मतलब डुप्लीकेट बोलता है। सपोज एग्जांपल है, मैं एक सर्कल बनाता हूँ, उसका है 50 ml, लॉक कर लेता है इसे। और एक सर्कल बनाया, दूसरा सर्कल वो भी 50 बनाया, ठीक है, लॉक तो किया नहीं, फिर क्यों नहीं हुआ। और एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, मैं पर्पसली कर रहा हूँ डुप्लीकेट आपको क्या चीज है बताने के लिए, ठीक है। ये ऐसा चीज आपको डुप्लीकेट एंटिटी आपको मिल जाता है व्हेन यू आर यूजिंग ऑटोकैड फाइल। तो ऑटोकैड में तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो डुप्लीकेट है नहीं है, उसमें सिर्फ दिखाने वाला चीज है। बट इधर मास्टर कैम में ऐसा डुप्लीकेट एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। हमेशा वो ओरिजिनल ज्योमेट्री मांगता है, डुप्लीकेट है तो काम नहीं होता है, वो एरर बताएगा। सो मास्टर कैम तो क्लीन ज्योमेट्री जरूरी है, क्लीन ज्योमेट्री करने के लिए डुप्लीकेट डिलीट डुप्लीकेट आप यूज कर सकते हैं। सो अभी आपको नॉलेज के लिए इसके अंदर कितना सर्कल है पता करना है, शायद 6 को क्लिक किया तो आपको पता चल जाएगा। सो इसमें 7 आर्क्स है, इसमें 7 आर्क्स है। तो अभी डुप्लीकेट को डिलीट करना तो ये केक को करने से मुश्किल होगा, इसलिए डिलीट डुप्लीकेट। तो आपने आपको 6 आर्क्स को निकाल दिया। अभी आपने चेक करो 36 में 1 आर्क बचा हुआ, ठीक है। ये है आपको डिलीट डुप्लीकेट। पुराना मास्टर कैम में इसका वैल्यू था डिलीट नॉन एसोसिएटिव, वो ऑप्शन को यूज था। अभी आजकल इसका वैल्यू नहीं है। तो पुराना इसमें सपोज आपने इसको ये पर्टिकुलर वायर फ्रेम को सॉलिड मॉडल बनाने के लिए यूज किया है, समझो एग्जांपल। तो अभी इसको डिलीट किया तो बोलता है इट इज ए एसोसिएटिव एंटिटी, उसको डिलीट नहीं कर सकते करके एरर आता था 2020 तक, 2020 तक। अभी 2021 में वो एसोसिएटिव टोटली निकाल दिया, इसलिए अभी कुछ ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। अब डायरेक्टली डिलीट भी कर सकते, डिलीट डिलीट कर दिया देखो ना, अब अच्छा लगा। अनडिलीट बोलो तो वापस आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ फर्क नहीं है अभी, अब सीधा जाके डिलीट भी कर सकता। इसमें डिलीट के अंदर और इनर भी एडवांस ऑप्शन भी है, आप सेलेक्ट करेंगे तो इसमें कलर सेलेक्ट करके डिलीट करने का, लेवल सेलेक्ट करके, पॉइंट स्टाइल ये सब यूज करके सेलेक्ट डिलीट करने का, डिलीट डुप्लीकेट एंटिटी से भी, इसमें से भी सब कुछ इसके अंदर बना हुआ है। सो ये है डिलीट कमांड के बारे में। बहुत जगह पे ये डिलीट डुप्लीकेट यूज होता है। हमेशा मैं क्या करता हूँ, ऑटोकैड फाइल मेरे पास है तो उसको ओपन करने का, सबसे पहले ओपन करने के बाद तुरंत हमको करना है डिलीट डुप्लीकेट, तो इससे वो ज्योमेट्री क्लीन हो जाता है। इसमें और एक चीज भी बताता हूँ, क्योंकि हमेशा ट्रबल होता है कुछ लोगों को। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द डुप्लीकेट एंड ओवरलैप।
गड़बड़ किया मैंने, सिबलिंग टॉप सभी टॉप ही है। ओके जी वो टॉप नहीं था इसलिए, ठीक है। मैं अभी जा गया, मैं एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। ये समझाने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। ये देखो ये लाइन ड्रॉ किया, डुप्लीकेट बोलता है तो ये डुप्लीकेट है, मतलब उसके सबसे सेम डिटो है तो डुप्लीकेट बोलता है। बट ये देखो ये दूसरा लाइन है, ये डुप्लीकेट नहीं है बाबा, ये है ओवरलैप, इसको बोलता है ओवरलैप एंटिटी बोलता है। अभी इसको मैं डिलीट करता हूँ, डिलीट डुप्लीकेट से क्या होता है, देखो डिलीट डुप्लीकेट एक ही लाइन निकाला, बट एक्चुअली देखा गया तो उसमें दो लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक छोटा लाइन है, हाँ दिखाई नहीं दे रहा मेरे को। अब 36 करेगा तो टू लाइन दिखाएगा। अभी क्वेश्चन ये है वो डुप्लीकेट को कैसे डिलीट करेगा, सॉरी वो ओवरलैप को कैसे डिलीट करेगा, ये क्वेश्चन सबको आ जाएगा कभी कभी। तो जनरली लोग क्या करते हैं, एक को डिलीट करके अनडिलीट करके कुछ तो करेगा, इससे जरूरत नहीं है, देयर इज ऑप्शन अवेलेबल, डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं। ये देखो ये रन यूजर एप्लीकेशन है, उसको क्लिक करो, इसमें फाइंड ओवरलैप, ये देखो फाइंड ओवरलैप ये इसके अंदर है, आप देखेंगे ना फाइंड ओवरलैप, यफ दबाएगा तो उधर लेके जाएगा वो, देखो इसमें सेलेक्ट किया मैंने, यफ दबाया तो फाइंड ओवरलैप, इसको सेलेक्ट करो ओपन करो तो ये पूरा सेलेक्ट किया, एंड सिलेक्शन बोला, वो देखो अचानक क्लिक पकड़ लिया, वो देखो उसको सब क्लीन अप, वन ओवरलैप इज डिलीटेड। ये बहुत यूज होता है ज्योमेट्री क्लीन करने के लिए, डू कमांड बहुत काम में आता है। ये ज्योमेट्री क्लीनिंग कब, जब व्हेन यू आर ब्रिंगिंग द डेटा फ्रॉम ऑटोकैड फाइल, किसी ने ड्रा किया है उनको तो पता नहीं है कैम सॉफ्टवेयर क्या करेगा, कैम सॉफ्टवेयर में तो डुप्लीकेट एंटिटी, क्लीन ज्योमेट्री जरूरी है कैम में, इसलिए उसको पता नहीं है क्लीन ज्योमेट्री क्या चीज है, वो अपने ऑटोकैड में बनाते चला गया होगा। तो बट एक्चुअली आपको जो क्लीन ज्योमेट्री जरूरी है, क्लीन करने के लिए दो कमांड है, एक कमांड तो डिलीट डुप्लीकेट है, दूसरा कमांड है तो फाइंड ओवरलैप। वो फाइंड ओवरलैप रन यूजर एप्लीकेशन के अंदर है, आप उधर अंदर क्लिक करने के बाद F दबाएगा तो फाइंड ओवरलैप आएगा, उसके बाद ओपन करो, उसके बाद इसको सेलेक्ट करो, एंड करो, कुछ भी ओवरलैप नहीं है तो बोल देगा नो ओवरलैप, है तो बताए निकाल देगा जो कुछ भी है। तो ये दोनों कमांड जरूरी है, ठीक है। तो इसके बारे में बता दिया, इसके उस भी थोड़ा बताया, और डिस्प्ले कमांड देखेंगे। ये डिस्प्ले कमांड हमेशा हमको बहुत यूज होता है। सपोज आपके पास ये कुछ फाइल ओपन करेंगे, क्या ओपन करेंगे कुछ फाइल, तो ये तो एक छोटा सा फाइल बनाएंगे इसके आ जाता है, ये इसमें आपको दो चीज समझाने का है, ये कैसे यूज होता है ब्लैंक एंड नॉन ब्लैंक। हाँ देखो ये सेलेक्ट किया, जो सेलेक्ट किया वो अपना स्क्रीन में दिखेगा, दूसरा सब चला जाएगा, ठीक है। तो एंटर दबो, दूसरा चला गया, देखो इसे टेम्पररी डिस्प्ले में से हाइड करना, एंड हाइड करना यही है, ठीक है। उसको शॉर्टकट की भी है ऑल्टर ई, देखो ऑल्टर ई, ऑल्टर ई, अगेन ऑल्टर ई दबाएगा तो वापस आ जाएगा, वही चीज तो इधर कमांड में दिया हुआ है। सेलेक्ट कर दो, ये पॉइंट को सेलेक्ट किया मैंने, एंड सिलेक्शन चला गया, अगेन उसको ही दबाया तो वापस आ जाएगा। सो दिस इज टेम्पररी रिमूविंग द डिस्प्ले फ्रॉम द स्क्रीन, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स, हाइडिंग एंड अनहाइडिंग। तो ये यूज होता है, बहुत बड़ा
असेंबली और बड़ा कंपोनेंट है, दो तीन कंपोनेंट एक साथ है। अब एक ही कंपोनेंट दिखा रहा है तो वो कंपोनेंट को सिलेक्ट करने का ऑल्टर ही दबाने का, और नहीं तो इधर हाइड एंड हाइड करने का, ठीक है। ये है हाइड एंड हाइड। और दूसरा कमांड है ये आर्क सेंटर पॉइंट। जनरली इसका जरूरत नहीं रहता है, ये देखो सेंटर पॉइंट है, वो कभी कभी इरिटेट करता है इसलिए लोग यूज नहीं करता है। ये है आपको सेंटर पॉइंट को डिस्प्ले करेगा, बस इसको क्लिक करने से सेंटर पॉइंट चले जाएगा। इसको ऑन रख दिया तो आपने ड्रा कर रहे कुछ भी सिलेंडर है अनलॉक करें, हर सिलेंडर के अंदर ये सेंटर पॉइंट दिखाई देगा। ये कभी कभी डिस्टर्ब भी करेगा, इसलिए ये रखना नहीं रखना आपका मर्जी है, मैं तो नहीं रखता हूँ, ठीक है। और एंड पॉइंट्स है, ये भी डिस्टर्ब करता है, ये आत्मा इतना आसानी से नहीं छोड़ता है हमको, तो ये आपका मर्जी है। ये सब डिस्प्ले के लिए रखा है, बस दिखाने के लिए। देखो एंड पॉइंट दिखता है ना, सबका एंड पॉइंट मीन्स इंटरसेक्शन पॉइंट एंड पॉइंट दिखता है, ऐसे छोटा सा सर्कल बन जाता है, ये देखो, ठीक है। और नेक्स्ट कमेंट है ब्लैंक एंड अनुला, दोनों को थोड़ा ही डिफरेंस है। हाइड अनहाइड क्या कर रहा है, टेम्पोरली चला जाता है, बाद में निकाल लेके आता है, आ सकते हैं। हाइड थोड़ा परमानेंटली करता है, तो आपको नहीं चाहिए तो वो पूरा डिस्प्ले से कंप्लीटली मैनेज करता है, वो बस अनब्लैंक किए तो वो दूसरों को अलाउ करता है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। मोस्टली पीपल हाइड अनहाइड यूज करता है, ब्लैंक वाला बहुत कम यूज करता है, फिर भी आपको नॉलेज के लिए ब्लैंक ऑप्शन है ब्लैंक, ठीक है। तो क्या हुआ, सिलेक्शन किया हुआ चला गया, रिमेनिंग इसमें है। अभी उसमें कैसे हाइड में जो सेलेक्ट किया वो रहेगा, रिमेनिंग चला जाएगा, बट ब्लैंक में जो सेलेक्ट किया वो चला जाता है। और अनब्लैंक कैसे करेंगे, उसके अंदर ही ये अनब्लैंक ऑप्शन है, इसको दोनों को सिलेक्ट करने का, एंड सिलेक्शन बोलने का, तो अनब्लैंक हो जाता है। ये डिफरेंस है ब्लैंक अनब्लैंक के बारे में। सो अनब्लैंक में जो सिलेक्ट कर रहे हो वो सभी चीज निकल जाता है स्क्रीन से, वायर फ्रेम सॉरी ब्लैंक निकल जाता है। अभी उसको कैसे लेके आने का, अनब्लैंक करके आप लेके आ सकते हैं, इधर जाने का अनब्लैंक, अनब्लैंक वाला दिखेगा, आपको अनब्लैंक करने के लिए सेलेक्ट करना पड़ेगा तो ही अनब्लैंक होगा, ठीक है। सो आई थिंक यू वी हैव सीन अबाउट द डिलीट, देख लिया है, और डिस्प्ले ऑप्शन देख लिया है, और नेक्स्ट है रिमेनिंग सभी चीज एक ही कलेक्शन में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।